तो दोस्तों ये व्लॉग होने वाला है दुर्गापुर टू कलकत्ता जर्नी पे, जो हम लोग मेन इवेंट मतलब चाचा चाची के 25th एनिवर्सरी के लिए गए थे, उसके बाद जो दुर्गापुर से वापस हम कलकत्ता आए थे उस पे ये व्लॉग होने वाला है। थोड़ा मैं लेट इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो चलिए ये व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ। कहाँ? कलकत्ता। कल जाने की बात थी, कल जाने की बात थी, लेकिन बिना उसी बात काम है। हालांकि मैं मुझे तो वीडियो एडिट करना था, तो मैं यहाँ से भी कर सकता था, लेकिन क्यों जा रहे हो? चलो फिर मिलेंगे। पर इसके बाद कब मिलेंगे? मेरे बर्थडे में। बर्थडे में देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं बर्थडे में। हाँ बर्थडे में ये वाला रोड भी दिखा, ये वाले रोड पे पिछली बार जाम लगा था जब न्यू ईयर के टाइम पे आ रहे थे, तो इतना जाम था कि यहाँ पे हम लोग को 1.5-2 घंटा बिताना पड़ा था। धीरे 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 अब एक ही लाइन खुला हुआ था। बहुत लंबा प्लांट है उधर, अच्छा ये गेट एक उधर एक गेट है, ये तो पूरा स्टील प्लांट इंडस्ट्रियल पारा दुर्गापुर, तो पूरा बेल्ट ही है ना ज्यादा स्टील प्लांट का, पानागढ़ बोकारो दुर्गापुर ये सब, यहाँ की इकोनॉमी ही इसी से चलती है। क्या है रे लो करने के लिए तो एक क्या गाड़ी है बता दीजिएगा हमें कमेंट्स में। नहीं सबसे मस्त तो हमको इवेंट पे वेन्यू पे लगा जो थीम था ना, नहीं नहीं खाने ही बात नहीं कर रहा हम खाने जाके जाते नहीं, थीम की बात कर रहे हो, जो घुसे अंदर रेड लाइट पे था ना, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। इतना जल्दी कैसे आ गए? दोस्तों अभी हम लोग आए हैं लांचा बाजार। पिछले दो बार से हम लोग एक ही दुकान पे रुकते थे, तो आज मैंने पहले ही देख के दूसरे दुकान में आज हम आए। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ट्रेन स्टेशन बालसिट। दोस्तों अभी गाड़ी एवरेज दे रही है 17.7 का, और ये 18 तक 18 से ऊपर भी जा रहा है। रिकमेंडेड एवरेज इस गाड़ी का 14-15 है, और एक तरह का स्पीड मेंटेन करने का यही फायदा है, एफिशिएंसी मतलब फ्यूल एफिशिएंसी अच्छा मिलता है। ट्रेन डिस्टेंस में गया जो जा सकते हैं, बहुत ज्यादा रेस चलने से बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाने से फिर कम करने से माइलेज में भी असर पड़ता है, कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करने से अच्छा माइलेज मिलता है। हुंडई का ये है, मारुति उरुति में मुझे लगता है इस करोड़ इस करोड़ में 25-30 मिल जाता है। वो आलू है ना? नहीं दान है वो आलू। तो देखिए कोई पावर प्लांट है वो, अच्छा घर ये है। दोस्तों अभी हम लोग इस डाइवर्जन पे खड़े हैं, और ये कन्फ्यूजन चल रहा है बलवंत सिंह जाएं या हल्दीराम चले। हाँ तो बोल रहा हूँ हल्दीराम चलो, ये लोग को बलवंत सिंह जाना है, तड़का रोटी खाने का मन हो रहा है, इसी में खा लेते हैं। ये आ गया है दोस्तों बलवंत सिंह सीटिंग हाउस, 100 साल से भी ज़्यादा पहले का है ये। ये रही जलेबी, पिछली बार भी इसी टेबल पर बैठे थे। ऑर्डर दिया गया है, अभी ऑर्डर का ही वेट हो रहा है, वही दाल तड़का और रोटी। बलवंत का दाल तड़का काफ़ी अच्छा होता है, बहुत अलग होता है बाकी जगह से। हम बलवंत का खाना खा लिए, तो अभी जा रहे हैं वापस गाड़ी के पास, चलते हैं घर। निकले थे हम लोग 12:30 दुर्गापुर से, और अभी हो रहा है ऑलमोस्ट 6:30, 7 बजे तक घर पहुंच जाएंगे, और फिर मैं एडिटिंग करने बैठूंगा। जितने व्लॉग्स रिकॉर्ड हुए हैं उसके फ़ोन का स्टोरेज पूरा फुल हो गया है 256 GB, तो अभी मैं दूसरे फ़ोन से व्लॉग कर रहा हूँ। तो
हम लोग घर पहुंच गए अभी, जस्ट शाम हो गई है 12:30 अपने एक पे हम लोग निकले थे 12:45 के आसपास, अभी हो रहा है 7:25, 7 घंटे हाँ सब ले दे के लग ही जाते हैं और अपने स्पीड पे चलते हैं। बस से आने से अराउंड पूरा डिस्टेंस 4-4.5 आवर्स में कवर हो जाता है, बट हाँ उसमें ऑब्वियसली लंच वगैरह का टाइम इंक्लूडेड नहीं है। लंच में भी तो हमें 45 मिनट्स तो लगा ही होगा, वही जो बलवंत में हम बैठे थे। चलिए चलते हैं घर, उठाता हूँ मैं सारे सामान। पिज़्ज़ा आया है डिनर के लिए, अबे नॉर्मल वाला मंगाया था, स्टफ्ड वाला नहीं, स्टफ्ड वाला हम तो सेलेक्ट किए थे। मौसी पार्टी दी है किस बात का? डीपी खोलने का, डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट नेटवर्क मार्केटिंग में नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है। बिजनेस और सक्सेसफुल होगा तो जेडब्ल्यू मैरियट में पार्टी होगी या रॉयल बंगाल में। बिल्कुल एक गोल्डन कॉर्नर है, पिज्जा मेनिया है और ये स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड है, ये पनीर एंड ऑनियन है और बाकी दोनों चीज ही है। आर्यन का फेवरेट, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा व्लॉग दुर्गापुर कलकत्ता जर्नी पे। इसके अलावा भी बहुत सारे व्लॉग्स रिकॉर्डेड हैं, एक के बाद एक अब आते जाएंगे वो। सो सब्सक्राइब इफ यू हैवंट ऑलरेडी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं कुछ कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में या एक नए वीडियो में। बाय बाय।